रहे हैं आज हमारे बीच हिंदुस्तान के मेहनत खिलाड़ी जाने माने और बहुत ही पुराने तजुर्बेकार खिलाड़ी हमारे विनीत कुमार जी हमारे लखनऊ शहर में आए हुए हैं। अपना कोहिनूर काइट क्लब मेरठ का जो इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट कर रहा है उस टीम को ये लेकर आए हुए हैं और आज इन्हीं ने गेम जीत भी लिया है। विनीत भाई आपको कैसा लग रहा है इस टूर्नामेंट के बारे में, आप कुछ कहेंगे? बेशक बहुत अच्छा। कोई शिकायत तो नहीं आपको? नहीं नहीं, शिकायत जिनको होगी होगी, यहाँ तो सॉरी कहने वाला मामला है बस। इज्जत दी इज्जत पाएंगे आप। जैसा कि बहुत से लोगों ने यहाँ के टूर्नामेंट के बारे में उल्टा सीधा कहा और आप तक खबरें पहुंची और आपने मुझसे डायरेक्ट आप फोन के ऊपर कई बहुत टाइम से आप हमारे साथ कॉन्टेक्ट पे रहे हैं, तो आपको कैसा नजर आ रहा है, क्या उनकी बातें सच थी या यहाँ देखने के बाद जो सच है वो है? जहाँ घर में कहते हैं चार बर्तन होंगे घर के जरूर, कहावत है जी, वो कोई आपके लिए बुरा कहेगा तो कोई आपके लिए अच्छा भी कहेगा जी। और मेरे को जो अच्छा लगता मैं वो करता हूँ। मेरे को यहाँ पे आके अच्छा लगा, यहाँ पर मेरे को अगर अच्छा नहीं लगता तो मैं यहाँ पर नहीं होता जी। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है आपकी। और ये तो आपकी इज्जत मांगने की बात है, आप सामने वाले को कैसी इज्जत दे रहे हैं ये मैंने देखा, अच्छा लगा मुझे। आपको कोई बुरा कहता कहने दीजिए, नहीं नहीं हम लोग इसकी फिक्र भी नहीं करते विनीत भाई, हमें अपना काम करना है और हमें ये अपना टूर्नामेंट सक्सेस कराना है। और आपने आने के बाद यहाँ पे देखा कमेटी से एम्पायरिंग से या किसी प्रकार की आपको कोई शिकायत रहने सहने में या कुछ किसी चीज की कोई, जैसे मेरे को कोई शिकायत नहीं है, तो वैसे भी दिलचस्प नहीं, आप तो बहुत मस्त आदमी है और बहुत ही बिंदास रहने वाले हैं और जो बात आपको बुरी लगती है इतनी उम्मीद करता हूँ कि आप वो चीज मुंह पे कहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल ये बात सच है। और हमारे बीच विनीत भाई, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे विनीत भाई का, बहुत खुशी हुई आप आए हैं और आपका